हुज द प्राइड ऑफ इंडिया की जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर से तुलना क्यों की जा रही है, हुज द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी क्या है और ये मूवी कितने करोड़ कमा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। फिल्म हुज द प्राइड ऑफ इंडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होने वाली है। फिल्म से अब तक अजय देवगन और संजय दत्त का लुक रिवील किया जा चुका है, वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक भी सामने आया है। फिल्म में सोनाक्षी सुंदरबेन जेठा मधार पर्या का किरदार निभा रही हैं, जिन्होंने 299 औरतों के साथ मिलकर भारतीय सेना की मदद की थी। अभिषेक दुधैया के निर्देशन में बन रही फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और एमी विर्क जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी। देश में फैलते कोरोना केसेस को देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि सिनेमा घर कब तक खुलेंगे, ऐसे में भुज को ओटीटी पर ही रिलीज करने का फैसला लिया गया है। हालांकि अजय देवगन के फैंस इस निर्णय से खुश नहीं हैं। लोगों का मानना है कि ये फिल्म काफी दमदार विषय पर बनी है और इसे सिनेमाघर में ही रिलीज किया जाना चाहिए। फिल्म में अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वायुसेना के पराक्रम और शौर्य की कहानी बताएगी। भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान में लोंगेवाला युद्ध पर आधारित होगी। खास बात यह है कि 1971 की कहानी जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में दिखाई जा चुकी है, लेकिन ये फिल्म वायुसेना के संघर्षों को सामने रखेगी। विजय कार्निक, उनकी टीम और भुज की स्थानीय 300 महिलाओं की वजह से भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप की मरम्मत की जा सकी और पाकिस्तान को जवाब दिया जा सका, इसे भारत का पर्ल हार्बर मोमेंट कहा जाता है। फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा, इस कहानी को बताने की जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की और आने वाली पीढ़ी हमारे बहादुर जवानों के बारे में जाने। विजय कार्निक ने 1971 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में काफी एक्शन सीन्स भी हैं, जिसके लिए नोरा फतेही ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली है। नोरा बताती हैं, मैंने बेसिक चीजें सीखी हैं जिसमें किसी को लात मारना, मुक्का मारना, नीचे गिराना और यहां तक कि बंदूक चलाना भी शामिल है। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भूमिका है और मेरी करियर को बड़ी ऊंचाई देगी। फैंस का कहना है कि निर्माताओं को फिलहाल थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और स्थिति सुधरने का इंतजार करना चाहिए। कम से कम अजय देवगन की फिल्म को ओटीटी पर लाना फैंस के लिए काफी निराशाजनक होगा। अगर ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है या होगी तो ये फिल्म शायद 300 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो ये फिल्म अगर सिनेमाघरों में रिलीज होती तो 500 करोड़ का बिजनेस कर पाती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना चाहिए या सिनेमाघरों में? अगर ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है तो क्या ये 300 करोड़ कमा पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।